अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ बैक टू बेसिक्स, जहां आज हम बात करेंगे कलर करेक्शन और कलर थ्योरी के बारे में। कह तो मैं इसको सीरीज़ फॉर बिगिनर्स रही हूं, बैक टू बेसिक्स इसका नाम रखा है मैंने, लेकिन आज वाले एपिसोड के बारे में बाद में सोच रही हूं, या इसके जो नोट्स बनाए हैं मैंने उसके बाद में सोच रही थी कि बिगिनर्स का तो पता नहीं, बट इट्स रियली अ क्रैश कोर्स इन मेकअप मेरी ये जो सीरीज़ है बैक टू बेसिक्स, एंड कलर थ्योरी इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आप कभी भी एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते जब तक आपको कलर थ्योरी की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी सो हेल्पफुल। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं समझ आता कि कलर करेक्शन का मकसद क्या होता है, ये क्यों की जाती है, कलर थ्योरी क्या होती है, ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। सो मेरी कोशिश होगी कि मैं आज इसको बहुत सिंपल करके आपको समझाऊं, कलर थ्योरी आपको समझाऊं, कलर करेक्शन का क्या मकसद होता है आपको ये बताऊं, एंड आपको जनरल सी एक गाइडलाइन दे दूं कि आपने अगर कलर करेक्शन करनी है ख़ुद पे या किसी क्लाइंट पे तो आपने कैसे करनी है। सो वी कैन ट्रीट माई सीरीज़, माई बैक टू सीरीज़, एज योर फर्स्ट ऑनलाइन मेकअप कोर्स, ठीक है? आप इसके बाद पेड कोर्सेज भी ले सकते हो मुझसे, बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट खैर हूँ ही नहीं, आप अच्छे अच्छे मेकअप आर्टिस्ट से सीख सकते हो एंड आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप फिलहाल पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो मेरी बैक टू बेसिक सीरीज सारी की सारी देख लें, एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड कोर्स इन लाइक योर नॉलेज ऑफ मेकअप। सो चले विदाउट फर्दर डू, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। पहला सवाल ये है कि कलर करेक्शन होती क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज कलर करेक्शन। कलर करेक्शन जनाब हेल्प्स परफेक्ट योर स्किन एंड मेक इट अपीयर फ्लॉलेस, ठीक है? इसमें आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हो टू न्यूट्रलाइज योर स्किन टोन एंड टू कवर अप अ लॉट ऑफ ब्लेमिशेस या डीकलरेशन। इसमें मकसद ये होता है कि आप काफ़ी हद तक स्किन के फ्लॉज को छुपा लो, स्किन बहुत इवन टोन्ड और फ्लॉलेस लगे मेकअप करने के बाद, ठीक है? अब जिन फ्लॉज को छुपाने की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ये आपकी आंखों के नीचे के हल्के हो सकते हैं, डीकलरेशन हो सकती है स्किन पे, पुराने एक्नी मार्क्स हो सकते हैं, सन डैमेज हो सकता है, डिफरेंट तरह के ब्लेमिशेस हो सकते हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है जिसको आपको करेक्ट करने की ज़रूरत महसूस हो रही है। कलर करेक्शन सुनने में ज़रा ओवरवेलमिंग या कॉम्प्लिकेटेड सी लगती है, लेकिन ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी बस बेसिक सेंस चाहिए कलर थ्योरी के बारे में, कलर साइंस के बारे में, मुझे अपना कौन सा फ्लॉ छुपाने के लिए या कौन सा फ्लॉ करेक्ट करने के लिए किस कलर की ज़रूरत है, मैं किस चीज़ को किस चीज़ से काउंटर बैलेंस करूँगी, इसके लिए आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चाहिए कलर थ्योरी की। कलर थ्योरी की इसके अलावा भी मेकअप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। कलर थ्योरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बताएगी कि आपका अंडरटोन क्या है, क्या मैं आपका या आपके क्लाइंट का अंडरटोन क्या है, क्या मैं वार्म हूँ, क्या मैं कूल हूँ, क्या मैं न्यूट्रल टोन्ड हूँ, या मुझे अपने कौन से मसले को हल करने के लिए कौन सा कलर यूज़ करना है। सो ये जब तक आपको ये सेंस नहीं आएगी तब तक आप अच्छा मेकअप आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं, ठीक है? सो कलर थ्योरी इज़ काइंड ऑफ मेकअप 101। ये मेकअप की बड़ी बेसिक सी नॉलेज है जो आपको होनी ज़रूरी है। सो अब हम कलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मैं यहाँ साथ साथ कुछ पिक्चर्स, कलर व्हील, ये सारा कुछ लगाती रहूँगी ताकि आपको जो बात मैं कर रही हूँ वो समझने में थोड़ी आसानी लगे, लगेगा ऐसा कि मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बातें कर रही हूँ, लेकिन ये वो बातें हैं जो हमने सेकेंड थर्ड ग्रेड में सीखी थी, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, इस तरह की बातें। सो दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल। सो आपने ये माइंड सेट लेके आगे चलना है और मेरी सारी बाकी की वीडियो देखनी है कि ये बहुत बेसिक नॉलेज है और ये बहुत आसान बातें आपको बहुत आराम से समझ आ जानी चाहिए, तो होपफुली आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगी। सो चलें अब बात कर लेते हैं कुछ कलर थ्योरी के बारे में। अच्छा, मैंने जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स का जिक्र किया तो सबसे पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, आई होप कि आपको अपना लेसन याद होगा। सेकेंड और थर्ड ग्रेड में तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है? रेड, येलो, ब्लू, ये तीन प्राइमरी कलर्स हैं। इन कलर्स को मिला के दुनिया के बाकी सारे कलर्स बनते हैं, ठीक है? वाइट और ब्लैक को कलर नहीं कंसिडर करते हम, इट इज़ लाइट एंड शेडो। कलर्स रेड, येलो, ब्लू, ये तीन कलर्स हैं जिनको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। सेकेंडरी कलर्स वो होते हैं जो इनमें से कोई से दो कलर्स को आपस में मिला के बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड और येलो मिलेंगे तो ऑरेंज बनेगा, ब्लू और रेड मिलेंगे तो पर्पल बनेगा, ब्लू और येलो मिलेगा तो ग्रीन बनेगा, ठीक है? इसके बाद होते हैं टर्शरी कलर्स, ये थर्ड ग्रेड कलर्स होते हैं। ये आप अगर एक प्राइमरी कलर को पकड़ के एक सेकेंडरी कलर के साथ मिला दोगे तो जो कलर बनता है उसको हम टर्शरी कलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं येलो को पकड़ के मिला दूँ ऑरेंज में तो मुझे मस्टर्ड मिलेगा, ठीक है? मस्टर्ड भी एक कलर है जाहिर है, लेकिन ये इस तरह से बनता है कि आप ऑरेंज में थोड़ा सा येलो मिला दो तो मस्टर्ड बन जाता है, राइट? सो दैट इज़ हाउ कलर्स आर डिवाइडेड इन दी इंटायर स्कीम ऑफ मिलियंस ऑफ कलर्स आउट देयर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बहुत सिंपल था, राइट? सो अब आगे चलते हैं।
सेकेंड हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं उसके बारे में. सो मैं यहाँ कलर व्हील की एक तस्वीर लगा देती हूँ. ये एक व्हील है जिसमें डिफरेंट कलर्स बने हुए हैं. इसमें जो ऑपोजिट स्पेक्ट्रम व्हील के अंदर एक दूसरे के ऑपोजिट जो कलर्स हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहते हैं. ये वो कलर्स होते हैं जो एक दूसरे को उठाते हैं. ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आप इनको एक साथ खड़ा करो तो ये एक दूसरे को और ज़्यादा उठाएंगे. अगर आप ब्लू को ऑरेंज के साथ खड़ा करो तो दोनों बहुत पॉप करेंगे. लेकिन जब आप इनको मिक्स कर दोगे तो एक ग्रे सा न्यूट्रल सा शेड बन जाएगा. ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं. जब आप इनको मिक्स कर दो तो दे कैंसिल ईच अदर आउट. ठीक है, इसीलिए अगर आप आई शेडो फॉर एग्जांपल लगाते हो, ऑरेंज और ये ब्लू कलर का आई शेडो लुक क्रिएट करते हो तो बहुत ज़्यादा पॉप करता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है. लेकिन अगर आप क्रीज में दोनों कलर्स को बहुत ज़्यादा मिक्स कर दोगे तो बड़ी एक मडी सी सिचुएशन बन जाएगी, क्योंकि दे बोथ विल कैंसिल ईच अदर आउट. ठीक है, सो अगेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकअप टू अंडरस्टैंड वॉट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर. ठीक है, और ये कलर करेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मिक्सिंग देम एंड कैंसलिंग ईच अदर आउट. कलर करेक्शन की बेसिक यही होती है कि आपके जो भी फ्लॉज हैं आपने उनको कैंसिल आउट करना है. सो यहाँ पे इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपको कलर व्हील से पता चल जाएगा. इफ़ यू आर अ वर्किंग मेकअप आर्टिस्ट, आई हाईली सजेस्ट कि आपके सामने आपके वर्किंग स्पेस में एक आधा कलर व्हील ज़रूर होना चाहिए, अच्छा सा प्रिंट हुआ हुआ. इसके बाद हम तीसरी बात जो करेंगे वो हम करेंगे कलर ग्रेडिंग के बारे में. ठीक है, कलर कितना डार्क है उसको करेक्ट करने के लिए उतना डार्क करेक्टर चाहिए. सो कई दफ़ा हम देखते हैं कि अगर कोई अंग्रेज़ बंदा ट्यूटोरियल कर रहा है और वो कलर करेक्टर यूज़ कर रहा है तो वो कलर करेक्टर यूज़ कर रहे होते हैं पीच से शेड के और उनके अंडर आइज़ करेक्ट हो जाते हैं. हम वही पीच शेड यूज़ करते हैं तो हमारे अंडर आइज़ करेक्ट नहीं होते और हम परेशान होते हैं कैसा क्यों हो रहा है. इसलिए क्योंकि हमारे स्किन टोन्स डार्क हैं, हमारे डार्क सर्कल्स भी डार्क हैं. सो जितनी ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी, जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा जिसको आपने करेक्ट करना है, आपको उसका करेक्टर भी उतना ही स्ट्रांग उतना ही डार्क चाहिए. सो हमने कलर्स के बारे में या कलर थ्योरी के बारे में तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी हैं. कलर्स की टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन से हैं उसको याद रखना है, और हमने कलर की ग्रेडिंग याद रखनी है. कौन सा कलर कितना डार्क है, आपका जो फ्लॉ है वो कितना डार्क है कितना लाइट है, ये चीज़ हमने याद रखनी है. दैट्स व्हेन वी विल रियली बी एबल टू कलर करेक्ट प्रॉपरली. अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आपको एक जर्नल सी गाइडलाइन दूंगी अबाउट डिफरेंट कलर्स. ये सारी चीज़ें जो नॉलेज मैंने अभी आपको दिया, ये आपको हेल्प करेगा एज अ वर्किंग मेकअप आर्टिस्ट या ऑन योर सेल्फ टू डिटर्मिन एंड प्ले विद मेकअप एंड हैव फन विद मेकअप एंड एक्सपेरिमेंट विद मेकअप एंड योर आई शेडो लुक्स एंड ऑल ऑफ दैट. लेकिन बियॉन्ड दैट मैं आपको एक जर्नल सी गाइडलाइन दूंगी, इसलिए क्योंकि इन थेरी मेरा लेट्स से यहाँ पे एक पिंपल है, वो एग्जैक्टली क्या शेड ऑफ रेड है ये अगर मैं डिटर्मिन कर लूँ तो इन थेरी या ऑन अ कंप्यूटर मे बी आई कैन डिटर्मिन द एग्जैक्ट शेड ऑफ ग्रीन जो मुझे चाहिए टू लाइक द RGB कोड ऑफ दैट शेड ऑफ ग्रीन जो मुझे चाहिए इसको करेक्ट करने के लिए. ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली दैट्स नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स नॉट हाउ मेकअप आर्टिस्ट वर्क. कि कोई आके बैठा है तो वो पहले उसकी कलर ग्रेडिंग चेक करेंगे उसके इशू की और फिर उसका मैच निकालेंगे और फिर वो कलर लाइक दैट डजंट, इट डजंट वर्क दैट वे. सो एक जर्नल सी गाइडलाइन होनी ज़रूरी है कि किस तरह के फ्लॉ को किस तरह के कलर से करेक्ट किया जाए. इसलिए इस वीडियो के एंड पे मैं आपको चार डिफरेंट तरह के कलर करेक्टर्स बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से उन कलर्स को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो टू कलर करेक्ट योर फ्लॉज. सो ये बात समझाने के लिए मैंने अपना एक बहुत प्यारा बहुत पुराना प्रोडक्ट निकाल लिया है. ये चाइना का एक कलर करेक्टर है मेरे पास और अब मैं इसको यूज़ नहीं करती इस डर से कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए. लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हो 5 कलर करेक्टर्स हैं. ठीक है, अब हमारे पास जो ग्रीन कलर करेक्टर है, अगेन अगर आप कलर व्हील पे देखो तो ग्रीन इज़ ऑपोजिट रेड. जिन लोगों को रोजेशिया होता है, जिन लोगों को एक्नी मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जिनके ओवरऑल सनबर्न वगैरह या वैसे किसी वजह से चीक वाला एरिया बहुत ज़्यादा रेड रहता है, उनको अगर वो अपने चीक वाले एरिया को ग्रीन, थोड़ा सा ग्रीन कलर करेक्टर लगा लें. अगेन जितना ज़्यादा डार्क रेड होगा आपका, जितना डार्क कम्प्लेक्शन होगा और उसमें आपको रेडनेस फील हो रही होगी, आपको उतना डार्कर शेड ऑफ ग्रीन चाहिए. जितनी आपकी लाइक लाइट स्किन है और उसके अंदर रेडनेस फील हो रही है, आपको उतना लाइट शेड ऑफ रेड ग्रीन चाहिए. बट एनी वेज आप ग्रीन से उसको करेक्ट करोगे, आप जब ग्रीन लगा लोगे तो स्किन एकदम खिल जाएगी, रेडनेस कैंसिल आउट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी. ठीक है, ज़्यादातर लोगों के जो अंडर आई सर्कल्स होते हैं वो डिफरेंट शेड्स के हो सकते हैं, लेकिन अमूमन इसमें शेड्स आ रहे होते हैं ब्लू और पर्पल के. अब अगर आप ब्लू और पर्पल के ऑपोजिट देखोगे तो आपको रेड और ऑरेंज मिलेगा. सो ऑरेंज कलर करेक्टर अमूमन यूज़ किया जाता है फॉर अंडर आई सर्कल्स. ये आप इन एरियाज़ पे लगाते हो, मुझे बहुत दफ़ा फील होता है कि मेरी इस एरिया में डीकलरेशन है या डिसकलरेशन है. इसी तरह ब्लू के हिंट्स आते हैं, कभी ग्रे के भी हिंट्स आते हैं.
मुझे ऐसे फील होता है मेरे नोज़ के इर्द गिर्द रेडनेस है, मुझे यहाँ ग्रीन कलर का करेक्टर लगाना चाहिए। ऐसे में कभी कभी जल्दी में यहाँ ऑरेंज लगा लेती हूँ, बट दैट डजेंट मेक सेंस, मुझे यहाँ ग्रीन कलर करेक्टर लगाना चाहिए क्योंकि यहाँ वाली जगह रेड रहती है मेरी। इसी तरह जो है वो अंडर आई सर्कल्स पर मुझे ऑरेंज लगाना चाहिए। अब आपके जितने ज़्यादा डार्क अंडर आई सर्कल्स होंगे आप उतना डार्क शेड ऑफ ऑरेंज यूज़ करोगे, और जितने लाइट अंडर आई सर्कल्स होंगे, अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा गोरा चिट्टा है या जैसे अंग्रेज होते हैं उनके डार्क सर्कल्स इतने डार्क नहीं होते, लाइक यू कैन लिटरली सी द ब्लू अंडर देयर आइज़, तो वो उनके डार्क सर्कल्स होते हैं। हमारी तो बाकायदे ये काली काली हो रही होती हैं जगह, उनकी थोड़ी सी ब्लू हुई होती हैं बस। सो दे नीड अ सैल्मन शेड, अ लाइट ऑरेंज, एंड दैट वर्क्स फॉर देम। हमारे लिए वी नीड अ डार्कर शेड ऑफ ऑरेंज, and that's when we really are able to cancel out the darkness underneath the eyes, ठीक है। इसके बाद जो ये lilac या purple नज़र आ रहा है आपको, ये अमूमन help करता है अगर आपकी skin dull लगती है या आपकी skin में too much yellow है, आपकी skin बहुत ज़्यादा पीली पीली लगती है और आपको उसको थोड़ा सा ब्राइट करना है, उसमें जान लानी है, तो a lilac can really help you with that। उसके अलावा जनाब कुछ लोग ब्राउनिश सा ये यूज़ करते हैं, ये डार्क स्किन लोगों के लिए ज़्यादा अमूमन ठीक रहता है। ब्राउन अगर आप नोट करो तो सारे प्राइमरी कलर्स को मिला के ब्राउन बनता है, और ये सारे जो फाउंडेशन शेड्स होते हैं दे आर टेक्निकली अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज प्राइमरी कलर्स। अगर आप येलो, ब्लू और रेड को आपस में मिक्स करो यू गेट ब्राउन। अब ब्राउन का कौन सा शेड, यू कैन मिक्स अ लॉट ऑफ वाइट एंड ब्राउन टू गेट एन आइवरी शेड, टू गेट बेज शेड जो आपकी फाउंडेशन के शेड होते हैं, बट दीज आर ऑल पार्ट्स ऑफ आवर अंडरटोन्स, तो वो अंडरस्टैंड करनी भी ज़रूरी है। लेकिन जो डार्क स्किन के लोग होते हैं उनके आप बहुत सारे मसले, उनके एज स्पॉट्स, उनकी स्किन में एक्स्ट्रा डार्कनेस कुछ एरियाज़ में आने वाली, वो करेक्ट की जा सकती है विद समथिंग लाइक अ ब्राउन, वार्म ब्राउन काइंड ऑफ कलर करेक्टर। पिंक अगर आपके पास कलर करेक्टर हो, जिन लोगों को फ्रैकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं दे कैन करेक्ट दोज फ्रैकल्स विद अ पिंक एज वेल। सो या गाइस, दैट वाज अ जर्नल गाइडलाइन ऑन कलर करेक्टर्स, कौन से कलर करेक्टर किस तरह के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, मैंने इसको सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करके आई होप आप लोगों को समझा दिया हो। कलर करेक्शन का स्टेप जो है वो फाउंडेशन से पहले आता है, प्राइमर के बाद आता है। आई पर्सनली रियली बिलीव इन कलर करेक्शन, और मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, स्पेशली व्हेन आई एम डूइंग माय मेकअप फॉर लाइक इवेंट्स, फॉर शादी ब्याह, जब मेरा मेकअप बेस्ट लगना चाहिए तो मैं हमेशा कलर करेक्शन करती हूँ और बहुत ध्यान देती हूँ उस पर, इसलिए क्योंकि द आइडिया ऑफ कलर करेक्शन इज़ के फाउंडेशन लगने से पहले आपकी स्किन फ्लॉलेस हो जाए, ताकि आपको इतनी सी फाउंडेशन भी काफ़ी हो। अगर ऐसा होगा तो आपका मेकअप ज़ाहिर है केक ही नहीं लगेगा, आपने थोड़ी सी फाउंडेशन लगाई हुई है, मेकअप केक ही नहीं लगेगा और स्किन फिर भी फ्लॉलेस लगेगी, फाउंडेशन भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। सो फॉर दैट रीज़न, फॉर ऑल ऑफ दोज रीजन्स, आई पर्सनली रियली बिलीव इन कलर करेक्शन, एंड आई थिंक एनी वन हु वॉन्ट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट और रियली लर्न अबाउट मेकअप शुड नो अबाउट कलर करेक्शन। सो ये थी जनाब आज की वीडियो, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको थम्स अप देना ना भूलिएगा। कोई और रिक्वेस्ट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे लिए ज़रूर छोड़ दें, बेल के निशान को ज़रूर प्रेस कर लें, दैट विल रियली हेल्प माई चैनल ग्रो। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, आई होप टू सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।